पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जेई और नीट परीक्षा को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। जेई नीट की लोकर सपा के बाद अब कांग्रेस का प्रदर्शन। जेई और नीट परीक्षा कराने के विरोध में शिक्षा भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा भवन पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो जेई और नीट की परीक्षाओं को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है। और इससे पहले आप के कार्यकर्ताओं ने भी लखनऊ में जीपीओ पर विरोध प्रदर्शन कर अपना प्रदर्शन दर्ज कराया था। और अब कांग्रेस भी इस सियासत में कूद गई है और परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा भवन पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। तो जेई और नीट की परीक्षा को लेकर सियासत अब तेज होती जा रही है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ में। नीरज, जो जेई और नीट की परीक्षा को लेकर जो सियासत चल रही है वो काफी अब तेज होती जा रही है। लगातार विरोधी पार्टियों की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा था। उनकी मांग थी कि इस परीक्षा को अभी फिलहाल के लिए स्थगित किया जाए। अब कांग्रेस भी इस सियासत में कूद चुकी है। जी धीरेन्द्र, हम आपको बताना चाहेंगे कि जेई और नीट की परीक्षा को स्थगित करने के संबंध में उन छात्रों के समर्थन में पहले समाजवादी पार्टी उतरी, फिर आप उतरी और उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए कांग्रेस भी आज उतर कर सामने आई। महानगर अध्यक्ष मुकेश चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता शिक्षा भवन पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो छात्रों के समर्थन में खड़े हैं। उनका भी कहना है कि इस परीक्षा की तिथि को टाला जाए जिससे कि छात्रों का भविष्य अंधकारमय न होने पाए। तो हाल फिलहाल अभी प्रदर्शन चल रहा है और वो छात्रों के समर्थन में नगर अध्यक्ष मुकेश चौहान नेतृत्व कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी वहां पर इकट्ठा है। जी जी नीरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।